जाएगा, इजीली बेल्ट सब खुल जाता है। ये देखिए पास एक गियर साइकिल आया हुआ है, तो ये गियर साइकिल को हम आप लोग को फिटिंग करके दिखाएंगे, इसका प्राइस क्या आएगा वो भी बताएंगे। तो हम है राजू साइकिल मैकेनिक और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता है आप लोग को। तो हमारे पास एक गियर साइकिल आया हुआ है, तो ये गियर साइकिल को हम आप लोग को फिटिंग करके दिखाएंगे। अभी भी अगर आप ऑनलाइन से साइकिल खरीदते हैं गियर वाली साइकिल, जब घर पे चल आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दुकान लेके चल जाते हैं, दुकान में फिट करवाते हैं, 200-400 रुपये साइकिल फिट करवाने का चार्ज देते हैं, तो वो पैसा आपका सॉलिड बचेगा ये वीडियो देखने से, क्योंकि हम एक साइकिल मैकेनिक है और हम अच्छे से आप लोग को फिट करके बताएंगे किस तरह से फिट होगा ये गियर साइकिल। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से हम बताते हैं हर एक चीज़। आप हमारे चैनल को रीड कर लीजिएगा, साइकिल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता, कोई भी दिक्कत होता है तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब ये साइकिल को फिट करके दिखाते हैं, ये गियर वाली कौन सी साइकिल फिट करने के बाद आप लोग को बताते हैं, इसका प्राइस क्या आएगा वो भी बताएंगे। ऑनलाइन से जब भी साइकिल मंगाते हैं, जब बॉक्स से साइकिल को निकालते हैं, तो कुछ इसके साथ में एसेसरीज भी निकलता है। इस तरह का एक पोटला निकलेगा एसेसरीज का, और एक आपका सीट इस तरह से निकलेगा, तो इसी में आपका सीट पिलर पाइप भी है, किसी किसी में अलग से रहता है, तो ये चीज़ का ध्यान दे आ जाएगा, इजीली बेल्ट सब खुल जाता है। ये देखिए साइकिल बॉक्स से निकालने के बाद, साइकिल को पूरा खोलने के बाद सबसे पहले हैंडल को फिट करना है। 4th mm एलेंकी स्पैनर लगता है ये बोल्ट में। चारों नट खोलने के बाद क्या करना है, चारों नट में हल्का हल्का ग्रीस लगा देना है या फिर ऑयलिंग कर देना है, इससे नट अच्छे से टाइट होगा। यहाँ पर टाइट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है आप लोग को आगे बताते हैं। तो चलिए चारों नट को पहले हम हल्का हल्का टाइट दे लेते हैं। चारों नट को हल्का हल्का टाइट देने के बाद मिला मिला के टाइट करना है। पहले ये वाला नट को टाइट करना है, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी एक बार में एक नट को फुल टाइट नहीं देना, हद से ज़्यादा टाइट नहीं देना, लगे कि टाइट हो गया तो फिर छोड़ देना है। अगर आप हद से ज़्यादा टाइट देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से करेक्ट कर जाएगा, ये क्लैंप करेक्ट कर जाएगा, तो फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। हम आप लोग को अच्छे से बता दें, चलिए यहाँ पर पूरा फिक्स कर लेते हैं, फिर आगे का जानकारी आपका लूज बता रहा है। तो हैंडल को स्टेड में देख लेना है, इस तरह से स्टेड में देखने के बाद ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं एलेंकी बोल्ट, ये आपको 5 नंबर का एलेंकी बोल्ट होता है, तो 5 mm एलेंकी स्पैनर लेने के बाद इसे आपको टाइट करना है। ये भी आपको लिमिट में टाइट देना है, हद से ज्यादा टाइट नहीं करना है, हिसाब से टाइट देना, लगे कि टाइट हो गया तो फिर आपको छोड़ देना है। हैंडल यानी फिक्स होना चाहिए, तो ये देखिए हम टाइट कर दिए तो हैंडल हमारा फिक्स हो गया, अब घूम नहीं रहा। इतना काम कंप्लीट करने के बाद फिर फ्रंट व्हील आपको फिट करना है, तो सामने का चक्का फिट करने से पहले यहां पर एक क्लैंप दिया हुआ रहता ताकि खराब ना हो सोकर, उसको निकाल देना है और इस तरह से फिट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, तो साइकिल को आप उलट भी सकते हैं, तो हम साइकिल को उलट नहीं रहे हैं, डायरेक्टली फिट कर रहे हैं खड़ा खड़ा में, ठीक है। तो साइकिल को आपको उलट लेना है अगर आपको दिक्कत लगता है तो। फ्रंट व्हील फिट करते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो लॉक वाशर रहेगा, लॉक वाशर का यहाँ पर एक जगह बना हुआ है, यहाँ पर देखिए एक होल बना हुआ है, तो ये होल में आपका लॉक वाशर यहाँ पर फंसता है इस तरह से, उसके बाद नट को टाइट करना है। कई बार क्या होता है कि लॉक वाशर फंसता नहीं, आप लोग डायरेक्टली टाइट कर देते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। चक्का को फिट करने के बाद मिडिल पे देखना है, मिडिल पे देखने के बाद दोनों ही चक्का नट को टाइट करना है, चक्का स्टेड में होना चाहिए। चक्का टाइट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों ही व्हील में हवा भर लेना है, इससे आपका साइकिल बहुत ही अच्छी तरीका से फिट होगा और दिक्कत नहीं होगा। फाइनली दोस्तों दोनों ही चक्का में हम हवा भर दिए हैं। सो दोस्तों देखिए साइकिल को खड़ा कर रहे हैं तो साइकिल गिर जा रहा है, ये देखिए इसमें छोटा स्टैंड दिया है, इसमें आपका एडजस्टेबल स्टैंड दिया है, यहाँ से एडजस्ट करने का बोर्ड दिया है, या बड़ा छोटा दोनों ही कर सकते हैं जगह के अनुसार में। ये देखिए ये आपका बड़ा हो गया स्टैंड, तो जितना पे आपको रखना है उतना पे सेटिंग मिला लेना है और फिर नट को टाइट कर देना है बोल्ट को इस तरह से। इस तरह का स्टैंड दोस्तों हम खुद से ही मॉडिफाइड किए थे, हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, इस तरह का एडजस्टेबल वाला स्टैंड आप लोग कैसे बना सकते हैं। फाइनली साइकिल हमारा अच्छे से खड़ा हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों शिफ्टर को देख लेना है, जिस तरह से आप खोलेंगे हैंडल को फिट करने के लिए उसी तरह से फिर लगाना है आपको। ये आपका आगे का शिफ्टर हो गया, पीछे का शिफ्टर हो गया, देखिए मतलब ये आपका आगे का होता है, ये पीछे का होता है, तो ये आपका पीछे ब्रेक हो गया। ये जो भी एसेसरीज आया सारा निकालते हैं, कौन सा एसेसरीज कहाँ लगेगा वो देखना पड़ता है। तो सीट पिलर आ गया, हैंडल ग्रिप आ गया, रिफ्लेक्टर लाइट आ गया, पैंडल आ गया, और इसमें देखिए आपका एक एलेंकी स्पैनर भी मिला है। ग्रिप फिट करते समय दोस्तों थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना है ग्रिप में, नहीं तो क्या होगा कि जाम पकड़ लेगा ग्रिप, फिर दोबारा खुलेगा नहीं, इस तरह से ग्रिप को आपको फिट करना है।
ये आपका इजीली फिट हो जाएगा। और पाम रेस्ट ग्रिप दिया गया है जो कि कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा लगेगा साइकिलिंग के दौरान, जब आप साइकिल चलाएंगे तब। हाथ से अगर नहीं होता है तो फिर कोई स्पैनर का जुगाड़ का मदद से आप इस तरह से ठोकेंगे तो अंदर चला जाएगा ग्रिप। ये देखिए ग्रिप हमारा फिट हो गया अच्छे से। अब एक साइड का बाकी रहा इधर का, तो इस तरह से ग्रिप को फिट कर लेना है। शिफ्टर रहेगा फ्रंट एंड रियर वाला, उसे आपको मिला करके टाइट कर देना है। इसे आपको स्टेड में नहीं रखना है, मतलब इस तरह से सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा डाउन रखना है आगे तरफ, इससे आपको कंफर्ट ज़्यादा महसूस होगा। सीट पिलर फिट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऑयलिंग कर देना है बोल्ट में, इससे आपका जो है क्विक रिलीज जो बोल्ट रहेगा वो इजीली खुलेगा और टाइट होगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और सीट पिलर के पास में यहाँ पर ऑयलिंग नहीं करना है, इस तरह से आपको सीट पिलर को फिट करना है। ये देखिए सीट पिलर आपका फिट हो गया इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखिए फ्री और फाइन है। उसके बाद आपको मिला करके क्विक रिलीज बोल्ट को टाइट कर देना है इस तरह से, ये आपका फिक्स हो जाएगा। सीट फिट करते समय ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों, सीट का जो बोल्ट रहेगा इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर देना है एक एक बूंद, और सीट का जो केचर रहेगा इसे पलट देना है। इस तरह से आपको केचर को पलट देना है, ये हुआ आपका परफेक्ट। उसके बाद सीट को इस तरह से फिट कर देना है और दोनों नट को बराबर टाइट करना है, जितना इधर टाइट करेंगे उतना ये साइड वाला नट को आपको टाइट करना है। सो दोस्तों सीट को मिडिल पे देख करके टाइट कर देना है। तो सीट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बाकी रहा दोनों ब्रेक बनाना, डिस्क ब्रेक का सेटिंग मिलाना और गियर का ब्रेक का जो केबल रहेगा वो निकला हुआ रहेगा। लीवर से तो इस तरह से फिट करना है, यहाँ से इस तरह से फिट करना है और यहाँ का सेटिंग मिला लेना है। इस तरह से सेंटर मिलाएंगे तो ये आपका इजीली फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ब्रेक वायर को फिट किया जाता है, ये आपका फ्रंट वाला फिट हो गया। दोनों ही ब्रेक केबल का वायर को हम बाहर निकाल लिए हैं और पीछे वाला जो ब्रेक केबल का वायर निकाले हैं ये देखिए बेंड है, तो इसको आपको प्लास से मदद से इस तरह से सीधा कर लेना है। ये प्लास आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा, बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ऐसे आपको साइकिल दुकान में ये प्लास मिल जाएगा, कोई भी प्लास का मदद से वायर को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ब्रेक को इस तरह से फिट नहीं करना है। बाइक का इंजन का ऑयल लेना है, न्यू होना चाहिए पुराना नहीं, और इस तरह से केबल में डालना है। ये देखिए आपका अंदर चला जाएगा, तो कम से कम 15 से 20 बूंद डालना है फ्रंट एंड रियर दोनों में। चलिए फटाफट हम निकलता ऑयलिंग कर लेते हैं ब्रेक केबल को, फिर आप लोग से मिलते हैं। ब्रेक केबल को ऑयलिंग करने के बाद फिर डिस्क ब्रेक में इस तरह से फिट करना है, जिस तरह से आप खोलेंगे। फिट करने के बाद क्या करना है, डिस्क ब्रेक को इस तरह से आपको टाइट कर देना है फ्रंट एंड रियर का। ये हमारा डिस्क ब्रेक हो गया टाइट, फिर ब्रेक का परफॉर्मेंस देखना है कि कैसा है, फर्स्ट क्लास। ये देखिए और पीछे का भी हम टाइट कर दे रहे हैं, तो जिस तरह से आगे वाला होगा उसी तरह से पीछे वाला भी होगा। आपका फ्रंट ब्रेक का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और पीछे ब्रेक का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी आगे पीछे दोनों ही, और चक्का भी हमारा फ्री और फाइन घूम रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस तरह से। अगर दोस्तों डिस्क ब्रेक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, ये रोटर बेंड हो चुका है या फिर नट बोल्ट सारा लूज है, तो डिस्क ब्रेक को प्रॉपर तरीका से आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में अगर हम अच्छे से हर एक चीज़ बताने जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम यहाँ पर कट कर दिए थे और आप लोग को कम्प्लीट करके दिखा दिए डिस्क ब्रेक किस तरह से सेट होता है। तो इस तरह से कर लेना, कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के वीडियो को रीड कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है डिस्क ब्रेक का आधार पर, कि डिस्क ब्रेक को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, हर एक सेटिंग के ऊपर में बताया गया है। तो चलिए डिस्क ब्रेक का काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब बारी आया गियर का काम। तो गियर का सेटिंग ऑलरेडी कंपनी से ठीक किया हुआ रहता है दोस्तों, फिर भी एक बार आप लोग को चेक कर लेना है, उसके बाद साइकिलिंग करना है, साइकिल को चलाना है, ऐसे नहीं। ये देखिए फर्स्ट क्लास से कोई भी दिक्कत नहीं, आप शिफ्ट करके हम देख लेते हैं, हाँ फर्स्ट क्लास हो रहा शिफ्ट। ये देखिए ठीक है, चलिए आपका फ्रंट वाला शिफ्ट करके देख लिया, अब रियर वाला शिफ्ट करके देखते हैं, रियर वाला देखते हैं शिफ्ट करके, हाँ फर्स्ट क्लास शिफ्ट हो रहा दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा, माइनर ज़्यादा नहीं, ये भी आपका कंप्लीट है। चलिए आप दोस्तों दिखा देते हैं कहाँ पर दिक्कत कर रहा, ये देखिए यहाँ पर एक बार शिफ्ट किए तो एक बार में चला गया, उसके बाद तीसरा में चला गया, चौथा में चला गया, नहीं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट हो गया कम्प्लीट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। अगर गियर में कोई भी ऐसा दिक्कत होता है, गियर का जो ये डिरेलर है इसका सेटिंग किस तरह से मिलाना है, गियर का सेटिंग किस तरह से मिलाना है, रियर का या फिर फ्रंट का, फ्रंट डिरेलर का या फिर रियर डिरेलर का, तो इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं, तो आप एक एक वीडियो को देख करके इसका भी सेटिंग को मिला सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो कंपनी से जो भी आता है दोस्तों वो कंप्लीट फिक्स रहता है, जिस तरह से इसमें आपका फिक्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है गियर में।
तो चलिए ये साइकिल हमारा फुल फाइनल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है दोस्तों, पैडल लगा लेना है, पैडल को फुल टाइट देना है, इसमें हम पैडल नहीं लगाने वाले हैं। और हैंडल का ये जो स्टेम वाला बोल्ट है इसे आपको फुल टाइट दे देना है, इसे भी आपको फुल टाइट देना है, मतलब लिमिट में देना है, हद से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका टूट जाएगा, क्योंकि आपका अलॉय स्टील का होता है। हमारा हो गया है कंप्लीट ए टू जेड। अगर हैंडल प्ले ढक का प्रॉब्लम आएगा तो ये दोनों बोल्ट को लूज़ करना है और यहाँ से ये बोल्ट को आपको खोलना है, यहाँ पर ये बोल्ट रहेगा, इसे आपको टाइट कर देना है, 5 mm का एलंकी लगेगा। टाइट करने के बाद ये दोनों नट को टाइट कर देना है हैंडल को मिडिल पे देख करके, ये जो प्ले ढक का प्रॉब्लम रहेगा ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फाइनली दोस्तों साइकिल हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस तरह से साइकिल को रेडी किया जाता है। ये कौन सा साइकिल है और इसका प्राइस कितना आएगा, तो ये साइकिल है आपका 30 व्हील साइज में। इसका जो व्हील है दोस्तों 29 TS का व्हील साइज है, गियर वाली 21 स्पीड साइकिल है आपका। साइकिल का कलर है दोस्तों ग्रीन एंड ब्लैक में। ये साइकिल का प्राइस आपको आ जाएगा 14,000 के लमसम में। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा सा इसका प्राइस और ज़्यादा रहेगा, ये आपका ऑफलाइन का प्राइस है। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम आप लोग को अवेयर करना चाहेंगे, जिस तरह से हम आप लोग को साइकिल को फिट करके दिखाएं उस तरह से फिट कर लेना है इत्यादि। अगर आपको कोई भी ऐसा चीज़ समझ में नहीं आता है तो खुद से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, डायरेक्टली आपको मैकेनिक के पास ले जाना है। अगर आपको लगता है कि हम खुद से कर लेंगे तभी आपको हाथ लगाना है, वरना नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों इतनी महंगी साइकिल है, अगर कुछ भी ऐसे दिक्कत हो जाता फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा और देना पड़ेगा मैकेनिक को ठीक करवाने के लिए। वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लिए तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, शेयर जरूर कर दें।